सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। मैं आपका नोबल ब्लॉगर, कैसे हो आप सब लोग? प्रीवियस आपने वीडियो देख ली होगी खजियार की, अभी तो थोड़े दिन पहले मैंने अभी डाली थी। तो काफी दिन पहले मैं रोड ट्रिप पे पहले ही गया था, तो उसकी वजह यही थी कि हाँ अभी बहुत अच्छा रोड ट्रिप मेरे लिए रहा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बताना। सो प्लान ऐसे आए कि आप बोल रहे होंगे यार ये सुबह सुबह उठ के आ गया, आज लगता फिर किसी रोड ट्रिप पे जा रहा है, बट लेकिन नहीं, ऐसा नहीं अभी, क्योंकि ऐसा हुआ मेरे साथ कुछ कि अभी जो बाइक मैंने प्लान किया था कि मैं मनाली या शिमला वाली साइड पे भी जाऊं, तो कुछ ऐसा प्लान बना के जाने का तो था वहां पे प्लान, बट लेकिन मुझे वहां से कुछ पता लगा कि मंडी जो वहां का एक रास्ता है मनाली की तरफ जाने वाला, तो उस पे ना काफी वगैरह बर्फ वगैरह काफी डली हुई है, तो इसी वजह से वहां पे 4x4 गाड़ियां भी फंस गई हैं। तो इसी वजह से मेरे घर वालों ने भी सजेस्ट किया अभी थोड़ा तू रुक जा, अभी मत जा। तो अभी फिर मैंने वो प्लान किया कि हाँ अभी मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, और शिमला वाली साइड पे भी जाने का प्लान था कि हाँ अभी न्यू ईयर क्रिसमस वगैरह वहां पे मैं मनाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं ऐसा, बिकॉज थोड़ा सा रोड की कंडीशन की वजह से हो गया ऐसे, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बिकॉज अभी मेरे पास पूरे गियर नहीं है और बाइक भी ऐसा, मतलब कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ अभी मैं स्नो वगैरह में नहीं चला सकूंगा बाइक, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा प्लान अभी डिले किया। तो आपको जो प्रीवियस वीडियो का मैं वैसे बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि हाँ अभी अगर आप जा रहे हो वहां पे डलहौजी वाली साइड जा रहे हो, तो आपको जो मैंने पहले रास्ता देखा था ना, आपने जो पठानकोट से हम जाते हैं ऊपर की तरफ जब जाते हैं, पहले के जो 20-30 किलोमीटर है ना वो बहुत ही गंदा पैच है और बहुत ज्यादा ऑफ रोड था वहां पे। एक बार तो हमने ब्रेक वगैरह भी मारी वहां पे, तो अभी बहुत मुश्किल से बचे, बिकॉज वहां पे खड्डे बहुत ज्यादा, ऐसी ऐसी जगह पे खड्डे आ जाते हैं कि कुछ पता नहीं लगता था कि कहाँ पे खड्डे आ रहे हैं। और प्लान वहां पे बहुत ही अच्छा था, मौसम बहुत ही ऑसम था, मैंने पहली बार खजियार देखा और मुझे काफी अच्छा लगा। बस एक चीज का रहा कि हाँ अभी पैराग्लाइडिंग नहीं कर सका बिकॉज ऑफ COVID-19 का कर्फ्यू लग जाता है रात को, तो रात को वहां पे रुकने का कोई रीजन नहीं था, तो इसीलिए वहां पे रुका नहीं। तो अभी तो वैसे यही प्लान है कि आगे किसी रोड ट्रिप पे अच्छे से जाएंगे, तो देखेंगे वहां पे भी इस तरह के कोई स्टे करेंगे अगली बार जो भी जाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि अपनी कोई मैं न्यू बाइक ले लूं तो उसकी ऊपर ही अभी मैं मोटो व्लॉगिंग करूं आगे। तो यही था बस, और एक चीज आपसे शेयर करनी थी। मैं आपको हर बार बोलता हूं स्टे फिट एंड स्टे सेफ, बट आई थिंक मैं ही वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था, स्टे फिट एंड स्टे सेफ मैं ही नहीं रह रहा था, मुझे लग रहा है ऐसे, बिकॉज मैंने थोड़ा सा अपना हेल्थ चेकअप कराया प्रीवियस, अभी जो आपने देखा होगा डैन कुंड वाला वीडियो, तो उसमें पता क्या हुआ था कि मैं जब ट्रैक कर रहा था, जो 2015-16 में मैं जाता था, तब मेरा मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा फिजिकल फिट रहता था, तब तक मैं फिजिकल एक्टिविटी वगैरह बहुत ज़्यादा करता था, तब तो मुझे कोई ट्रैकिंग वगैरह में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट ये कुछ ऐसा हुआ कि हाँ अभी स्ट्रेस की वजह से मुझे ऐसा है कि मैं स्ट्रेस में ज़्यादा मीठा खाता हूँ, ज़्यादा कुछ मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, जिम जाना छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, कुछ ऐसा हो गया तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, जिम वगैरह भी नहीं जा पाया, बॉडी फिट भी नहीं रख पाया। अनफॉर्चुनेटली नाउ ऑन दिस टाइम आई एम टोटली अनफिट। सो वहां पे हुआ था कि जब मैं बात भी कर रहा था ना, तो बात करते हुए मुझे सांस वगैरह ज्यादा चढ़ रही थी, तो सांस वगैरह ज्यादा चढ़ने की वजह से ना मुझे बात करने में चढ़ रही थी, और मेरी पूरी अब बोल लो कि ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा वेट लेके चल रहा हूँ। फिर मुझे कुछ थोड़ा डाउट हुआ, अभी मैं फोन पे भी कहीं से बात करता था तो मुझे लगता था कि हाँ भाई मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरा वेट है लगता तो मुझे काम खराब है सब। तो मैंने भी डिसाइड किया है कि जैसे कि हाँ भी अब मैं ऐसा करूंगा कि मुझे पहले तो अपना वेट लूज करना है, जो मैं बोलता हूँ स्टे फिट एंड स्टे सेफ अपने व्यूवर्स के लिए। अगर मैं ही नहीं फिट हूंगा, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं कुछ गलत ही बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा बिल्कुल भी। तो मेरा पहला भी यही गोल होगा इस साल में, मैं March 31st से पहले पहले अपना वेट 70 kg लेके आऊं, इट्स अ बिग अनाउंसमेंट टू यू, तो 70 की वेट लेके आऊं और अपना अप्रोक्सीमेटली बॉडी फैट परसेंटेज 15-20 के बीच में लेके आऊं, प्रॉबली अभी 12-15 के बीच भी आ सकता है, बट लेकिन कोशिश है कैसी मैं डाइट और कैसा वर्कआउट अभी प्लान करता हूं। आप भी सोच रहे होगे यार ये अभी फिटनेस की तरफ चला गया,
नहीं फिटनेस की तरफ नहीं, फिटनेस मेरा चैनल का मोटो यही है आपके लिए कि हाँ भी मैं मोटो व्लॉगिंग भी करूं अगर आपको फिटनेस रिगार्डिंग भी कुछ भी हो, बिकॉज मैं पहले रनिंग वगैरह करता था आर्मी की रिक्रूटमेंट के लिए, अभी रनिंग वगैरह बहुत ज्यादा करता था पहली, अगर जो मेरी पुरानी अगर कोई फोटोज वगैरह देखेगा तो मैं काफी ज्यादा 70-75 केजी में अप्रोक्सीमेटली मेरा वेट होता था और मैं रनिंग वगैरह डेली करता था 5-6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली मैं क्रॉस कंट्री एंड ऑल ट्रैक एंड फील्ड में करता था पहले, बट लेकिन कुछ काम कैसा वर्कलोड बढ़ा है तो मैंने वो चीज छोड़ दी थी, 2 साल हो गए तो उसी की वजह से मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। मैंने एक बात और है कि मैंने रिसेंटली अभी चेकअप कराया तो माय वेट इज टोटली इज 98 केजी एंड माय हाइट इज 5.9 अप्रोक्सीमेटली 5.9 मेरी हाइट है और वेट मेरा 98 केजी। तो एक तो होता है ओवरवेट, एक होता है ऑब्सेस। मैं ओवरवेट से भी ऊपर चल रहा था, 90 ओवरवेट है मेरा, मैं 98 केजी मेरा चल रहा है इस टाइम पे एंड बॉडी फैट परसेंटेज इज 38% बॉडी फैट। सो मैं आपको कल कुछ फोटोज एंड वीडियोस दिखा दूंगा अपनी, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा अभी इस टाइम पे लग रहा था कि बहुत ज्यादा अनफिट लग रहा हूँ, तो कई बार हो रहा था मुझे भी ऐसा कुछ फिजिकल चैलेंज आ रहे थे, मैं थक बहुत जल्दी जा रहा था, नींद वगैरह भी नहीं पूरी हो पा रही, तो मोटापे के कारण ही ऐसा कुछ रीजन हुआ। तो मैंने भी एक गोल अभी डिसाइड किया है जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगली जब मैं राइड पे जाऊँ, राइड से जाने से पहले, तब तक ये ठंड भी थोड़ी सी बर्फ वगैरह भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और रिस्क नहीं होगा, तो मैं अगली रोड ट्रिप स्टार्ट करूंगा, बट उससे पहले मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना वेट लूज करूंगा, एक्सल से मीडियम साइज में आऊंगा और वेस्ट साइज में 30 लेके आऊंगा, अभी मेरा 34 है, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज मैं 15-20 में बीच में लेके आऊंगा, जब 12-15 भी बीच में भी लेके आऊं, और कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूंगा। और मेरा ये चीज था कि मैंने लॉकडाउन में भी कम किया था, बिकॉज तब घर पे थे, फ्री थे, कुछ नहीं, वर्कआउट घर पे किया था, तो अप्रोक्सीमेटली आई लूज 14 kg इन 2.5 मंथ। तो ये हुआ था कि हाँ भी मैंने काफी, मुझे जो मैंने पहले एक्सेल डालता था लार्ज से मीडियम आना स्टार्ट हो गया, मीडियम फिट आ रहा था, लार्ज साइज आना स्टार्ट हो गया। तो फोटो अभी मेरे पास वैसे नहीं है अभी, बट मेरे पास फोटो आई थिंक वो डिलीट हो गई, बट ना अदरवाइज होती तो, अगर होगी तो मैं वैसे डाल दूंगा यहाँ पे साइड पे, आप देख सकते हो। मेन मोटो बस यही है कि अभी मैं मोटो ब्लॉगिंग अभी नहीं करने जा रहा, और अभी मेरा यही चैलेंज होगा कि हाँ भी मैं अपना वेट लूज करूं। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं वेट लूज करना चाहता हूँ, मैं हर एक डे का रेगुलर व्लॉग डालूंगा उसका। अगर मेरी वीडियो के जरिए कोई भी अगर आप देखना चाहते हो कि हाँ भी मैं वेट लूज क्या करता हूँ, कौन सी वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कौन सा कार्डियो कर रहा हूँ, कौन सी मैं डाइट वगैरह प्लान कर रहा हूँ, और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई भी अभी प्रोटीन कंज्यूम नहीं करूंगा। मेरे वीडियो बनाने का मोटिव ये भी है, बिकॉज मैं ये चीज शो करना चाहता हूँ कि हाँ भी जो बिगनर है, जो प्रोटीन वगैरह नहीं ले सकते, वो अपनी घर की डाइट से कैसे मतलब अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा तो ये रीजन यही है कि हाँ भी मैं ऐसे करूं, और मैं डेली व्लॉग रॉ व्लॉग डालूंगा, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, कुछ जो भी डेली होगा, तो मैं अभी प्लान ये करूंगा डेली व्लॉग वो डाल के आपको दिखाऊंगा, ताकि आप देख सको कि हाँ अभी मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ, कौन सी वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कौन से टाइम पे कार्डियो कर रहा हूँ, कौन कौन से टाइम पे मैं कुछ भी मतलब डाइट वगैरह क्या प्लान कर रहा हूँ। सो वही होगा, ये वीडियो में बताने का जरिया एक ये भी था कि मुझे अपने आप पे कुछ आ नहीं रहा था ऐसे कि मैं, मुझे मेरा कोई गोल सेट नहीं हो पा रहा था, पर्टिकुलर रीजन एक यही है, मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि हाँ भी मैं अपना वेट लूज करूं या कुछ करूं, और ये वेट बढ़ता जा रहा था 70 पहले 70 था, फिर 78 हुआ, लास्ट मैंने 80 देखा, 84 देखा, 84 के जी से 90 हुआ, 90 से 92 हुआ, 92 से 96 एंड 96 से 98, बहुत ज्यादा वेट बहुत ज्यादा हो गया था। बहुत सारे लोग मुझे बोलने लग गए, हाँ भाई नहीं ये तू बहुत मोटा हो गया, अभी अगले साल तुझे डबल एक्सल आएगा, ये वो फलाना ढमकाना पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, बट हाँ मेरे हाथ में, मैंने उनको बोला, मैं कहता यार कोई बात नहीं मेरे हाथ में, मैं जब चाहे वेट कम करूं जब चाहे ज्यादा करूं, क्योंकि बिकॉज एक ही सिंपल फंडा है कि आप जब भी वेट कम करना चाहते हो कैलरी कम लो और बर्न ज्यादा करो, सिंपल दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी फाइबर, हेल्दी डाइट आप लो, प्रोटीन फाइबर हेल्दी फैट आप अच्छी सी लो, इवन चीट डे भी करो,
एक हफ्ते में चीट डे भी करो, मैं भी करूंगा इस वर्कआउट के ड्यूरिंग, मैं भी एक चीट डे करूंगा और वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। हर एक चीज जिंदगी जीनी चाहिए यार, ऐसा नहीं है कि हाँ भी वो जिम की लाइफ में आप वेट लगाने में लगे हो और आप में अल्लाह के बाद में देख ही नहीं पा रहे हो उस चीज को कि असल में लाइफ क्या है, लाइफ भी जीनी चाहिए। सो यही मेरा प्लान था अभी, तो कल से वैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डेली मेरे ब्लॉग को देखना, मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल मैं वादा नहीं करता बिकॉज मुझे जॉब पे भी होना होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरी वीडियो से देख सको, ताकि आप मेरी वीडियो से मैं वो देख सको कि हाँ भी मैं आपको रेगुलर जो भी व्लॉग डालूंगा रेगुलर, अगर आप फॉलो करना चाहते हो इस डाइट प्लान को, अगर आपको लगता है कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो आप मुझे फॉलो करो। अगर सब्सक्राइब करोगे सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, नोबल व्लॉगर को, और लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, तो आप ही का बेनिफिट है इसमें। बिकॉज मैं जानता हूं कि मुझे अपना वेट अभी कैसे लूज करना है, तो वो चीज मैं चाहता हूं कि हाँ भी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, हाँ भाई नहीं वो थक जाते हैं या कुछ भी, कोई भी वट एवर सो रीजन कुछ भी होता है कि हमसे नहीं हो पा रहा या कुछ नहीं हो पा रहा। अगर मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरी डेली वीडियो देखो, जो भी देखेंगे डेली वीडियो देखो, तो उस वीडियो के जरिए आप मेरी वीडियो को देखने के बाद आपने अच्छे से बॉडी को अपने ट्रांसफॉर्म करो, तो यही रीजन था। तो अभी के लिए यही है बस कि रोड ट्रिप पे नहीं जाऊंगा और पहले बॉडी ट्रांसफॉर्म करूंगा, जिम की फीस मैं ऑलरेडी भर आया हूँ, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम जाएंगे अच्छे से बढ़िया से रोड ट्रिप पे। बट लेकिन नहीं, रोड ट्रिप से जाने से पहले मैं आपको रेगुलर व्लॉग जो भी होगा डेली लाइफ में जो भी मेरे चल रहा है वो आपको मैं शेयर करता रहूंगा। सो मिलते हैं फिर कल।